कांग्रेस तूफानी बाबा के श्रद्धांजलि सभा में संकल्प सभा के इस आयोजन में आए हुए आप तमाम साथियों का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपको जय भीम बदलाल सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, सम्मानित मंच उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों, माताओं बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, बिना किसी औपचारिकता के मैं सीधे आज हमारे देश की जो परिस्थितियां है इस संबंध में आपसे मुखातिब होना चाहता हूं, आपसे रूबरू होना चाहता हूं। जहां तक इस इलाके में मुझे बुलाए जाने का और हमारे भाषण सुनने का कार्यक्रम का सवाल है, जिसमें जितने वक्ता आए सबने ये कहा कि लोग कन्हैया को सुनना चाहते हैं, इसलिए हम जल्दी बोल के जा रहे हैं। और हमारे जुलूमदार ने कहा कि हम दीवार नहीं बनना चाहते हैं। दिनेश का भी बोले कि हम दीवार नहीं बनेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोग जो बोलते हैं या आपके बोलने की जो संभावना है उससे अलग हम कुछ नहीं बोलते हैं, हम वही बात दोहराते हैं। दूसरी बात यह है कि किसी भी सूरत में आप हम नौजवानों के दीवान नहीं हो सकते हैं। आप हमारे मार्गदर्शक हैं, आपकी उंगली पकड़ करके ही हम इस रास्ते पे चलना चाहते हैं या बात हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं। और हमारे प्रिय साथी कन्हैया ने कहा कि हमरे वार्ड से के हमरा एक मिनट आर बोले दबा। उस समय हम राजू दा को बोल रहे थे, बोलने दीजिए, क्योंकि अगर हम जेल चले गए तो यही कन्हैया बेगूसराय में घूम घूम करके भाषण देगा। कितना कन्हैया को पकड़ के जेल में डालेंगे। हम तो कहते हैं भाजपा की तरफ से छाती कूटने वालों, एक बार टूर प्रोग्राम बनाइए, बेगूसराय आइए और आ करके देखिए कि इस धरती को लेनिनग्राद क्यों कहा जाता है, यह बात आपको समझ में आ जाएगी। एक कन्हैया जेएनयू गया, भाषण दिया, चुनाव जीता, फिर पूरा का पूरा 56 इंची सरकार हिलने लगा। एक बार बेगूसराय का परिक्रमा करके देख लीजिए, यहाँ लाखों कन्हैया तैयार होकर के बैठा हुआ है, यह बात हम आपको कहना चाहते। इसलिए कन्हैया जी आप भरपूर बोलिए, खाली आग्रह ये है कि ये मत कहिए कि हम बाहर के हैं, हम भी यहीं के हैं, हमको गेस्ट मत बनाइए। और मेरा तो मेरे बाबूजी का रिश्ता इस धरती से है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे बाबू एक ममौर जी के मद्रासपुर। तो मैं बाहर का आदमी नहीं, मैं यहीं का हूं। और कुछ दिन पहले हमारे कॉमरेड जगदीश ठाकुर की श्रद्धांजलि सभा में आए थे और उस दिन भी हमने कहा था और आज भी जब हम तूफानी बाबा को याद कर रहे हैं तो उस बात को दोहरा रहे हैं। एक तरफ हमारा गौरवशाली इतिहास है, जगदीश ठाकुर जी के बारे में इस इलाके के तमाम लोगों को मालूम होगा कि लोग जनप्रतिनिधि बनते हैं माल कमाने के लिए। इसलिए आप देखिएगा, और यह बात किसी से छुपी हुई नहीं है, चुनाव के ठीक पहले इसलिए पैसा लुटाया जाता है कि चुनाव जीत करके पैसा कमाया जाएगा। जगदीश ठाकुर जी जब बार पार्षद बने तो लाखों रुपया लेकर के लोग उनके पास गया और कह रहा था कि कम्युनिस्ट पार्टी के पैनल को वोट मत दीजिए, क्या हो जाएगा आप कम्युनिस्ट पार्टी को वोट दे दीजिएगा तो।
उससे अच्छा हम आपको कुछ लाख रुपया दे देंगे, आप स्कॉर्पियो खरीद लीजिएगा। अरे मूर्ख, क्या हो जाएगा स्कॉर्पियो खरीद देने से? स्कॉर्पियो तो हम खरीद लेंगे, ईमान कहां से खरीद करके लाएंगे? और जगदीश ठाकुर पैसा नहीं लिए और कम्युनिस्ट पार्टी के पैनल को ही वोट किए। अभी बिहार में एक बड़ा मजेदार चीज हुआ है, आप लोग से साझा करते हैं। हमारे यहाँ जो हमारे मुख्य पार्षद हैं, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया है। सामान्य प्रक्रिया आती रहती है, यहाँ पे नरेश दा बैठे हुए उप प्रमुख हैं, अच्छे से ये सब कहानी देखे होंगे कि प्रमुख हो, उप प्रमुख हो, मुख्य पार्षद हो, उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि वहां क्या हो रहा है, होता क्या है इसको समझने की जरूरत है। एक, जब आप वोट दे देते हैं, पार्षद चुन देते हैं, उसके बाद पार्षदों को खरीदने का दौर चलता है। अभी देखिए, जैसे कर्नाटक की सरकार है, कर्नाटक की जेडीएस और कांग्रेस की सरकार को गिराने के लिए भाजपा के सारे एमएलए गुड़गांव में बैठे हुए हैं और कांग्रेस के 3 एमएलए लापता हैं, जिसके बारे में खबर आ रही है कि मुंबई में बैठे हुए हैं। यहां भी पार्षद को इधर उधर छुपा करके रखा जाता है क्योंकि डर लगता है कि कहीं पार्षद बिक ना जाए। तो एक बार पार्षद की खरीद फरोख्त मुख्य पार्षद के चुनाव के वक्त होता है। गोटी से मुख्य पार्षद बन गए तब बीच में फिर माल चाहिए। अब बीच में जब फिर माल चाहिए तो अविश्वास प्रस्ताव आना चाहिए, तब फिर खरीद फरोख्त होगा। अब सवाल यह है, लेकिन कोई भी इसको रोकने में सक्षम नहीं है। इसीलिए हमारे एक बुजुर्ग कांग्रेस जब आकर के बोले कि कन्हैया को आप लोग खड़ा कीजिए, पूरा का पूरा मुसलमान समुदाय आपके पक्ष में खड़ा होगा, मैं कहता हूं कि सिर्फ मुझे खड़ा कर देने से कुछ नहीं होगा। अगर हम कांग्रेस जगदीश ठाकुर और कांग्रेस तूफानी बाबा के मूल्यों को स्थापित नहीं करेंगे तो फिर उस राजनीति का कोई मतलब नहीं है जो राजनीति ऑलरेडी समाज में चल रहा है। जब तक हम राजनीति को बदल न दें, जब तक हम नए चीजों को स्थापित न कर दें, तब तक किसी के एमएलए या सांसद या मंत्री बन जाने से कुछ नहीं होने वाला है। बेगूसराय जिला में सूरज बाबू, रमेश्वर कांगा, चंद्रशेखर बाबू, रामचंद्र पासवान, इन लोगों के जाने के बाद भी तो एमएलए हुए ना। राजेंद्र बाबू आज एमएलए नहीं है, फिर भी तेघरा का कोई एमएलए है ना। जब कम्युनिस्ट पार्टी को एक भी एमएलए बेगूसराय में नहीं है, तब भी तो 7 एमएलए चुने हुए हैं ना। जब हमारी सरकार नहीं है तब भी सरकार तो चल रही है ना। लेकिन तब की सरकार में, तब के एमएलए में, सूरज बाबू के समय में और आज के समय में क्या फर्क है, इसको आप अपने दिल पे हाथ रख करके पूछिए, दिल पे हाथ रख करके पूछिए। और जो हमारा साथी कन्हैया आकर के आश्वासन दे रहा था कि चाचा आप मत घबराइए, यह देश हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है, सिखों का भी है, ईसाइयों का भी है, जब आप हमको छोड़ करके पाकिस्तान नहीं गए तो हम आपको भी नहीं छोड़ेंगे, उनके कहने का यह आशय था। मैं कहता हूं कि यह कहने की जरूरत क्यों है? बेगूसराय की इस क्रांतिकारी धरती पर ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा हो गई कि जो बात विभाजन के वक्त नहीं हुआ था वो बात 2014 के बाद क्यों होना शुरू हो गया? जो बात इस देश के भीतर, बिहार के भीतर, दूसरे इलाकों में जाति को लेकर के होता था, वो बात बेगूसराय जिला में कैसे होने लगा? अभी बंधुआ की घटना आपके सामने में है। कम्युनिस्ट पार्टी की जमीन कब्जा की, जो गैर मजकवा जमीन था, जो फालतू जमीन थी, जिसको अंग्रेजी में सरप्लस लैंड कहते हैं, वो जमीन जिसका मालिकाना हक किसी के पास नहीं था, दबंगई से कुछ लोग जिसको जोत रहे थे, उन जमीनों का जब पर्चा सरकार ने काटा भूमिहीनों के लिए, उस पर्चे के आधार पे कम्युनिस्ट पार्टी ने लाल झंडा गाड़ करके जमीन कब्जा करके भूमिहीनों को जमीन दी, भूमिहीनों को बसाने का काम किया था। लेकिन एक घटना हमको बता दीजिए,
कि बेगूसराय जिले के भीतर बैकवर्ड और फॉरवर्ड के आधार पर कोई नरसंहार हुआ हो जैसा जहानाबाद और अरवल में हुआ था। एक घटना हमको बता दीजिए, एक घटना बताइए जिसमें सैकड़ों की संख्या में, दर्जनों की संख्या में फॉरवर्ड ने बैकवर्ड की हत्या कर दी या बैकवर्ड ने फॉरवर्ड की हत्या कर दी, ऐसा बेगूसराय जिला में सुनने को मिला हो? क्यों नहीं हुआ था? विचार करके देखिए। एक घटना हमको बता दीजिए, ईद दीपावली दुर्गा मनाते हुए, मोहर्रम और दशहरा मनाते हुए बेगूसराय जिले में कभी हिंदू मुसलमान हुआ हो? पार्टीशन से लेकर के आज तक, विभाजन से लेकर के आज तक हमको एक घटना बता दीजिए जब बेगूसराय जिले में कोई दंगा हुआ हो। यह फर्क होता है, यह फर्क होता है लाल झंडा के होने से और लाल झंडा के नहीं होने से। इस बात को हमको समझना चाहिए, इस बात को हमको समझना चाहिए कि अगर हम आज राजनीतिक बदलाव की बात कर रहे हैं तो उस बदलाव का मतलब यह है कि हम बेगूसराय जिले में उस संस्कृति की चमक को वापस करना चाहते हैं जिसमें हमने नारा लगाया था, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा। हम इसको पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश में हमारी जाति कुछ भी हो, हमारा धर्म कुछ भी हो, लेकिन हम इस देश के नागरिक हैं और इस देश का नागरिक होने के चलते हमारे साथ किसी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सोच करके हमको बताइए कि आप में से किसने अल्लाह के घर या भगवान के घर अर्जी लगाई थी, एप्लीकेशन दिया था, आवेदन किया था कि हमको अमुक जाति या अमुक धर्म में पैदा कर दीजिए, हमें भगवान निकाल दिया, हमें बिहार घर में पैदा कर दिया, आ तोरा मस्के का लोग हमारे बजलपुर में जन्मी है, ये हमारे हाथ में है। हम किस जाति में पैदा होंगे ये हमारे हाथ में है, हम किस धर्म में पैदा होंगे ये हमारे हाथ में है, लेकिन हम जिस जाति या जिस धर्म में पैदा होते हैं उसके आधार पे हमारे साथ शोषण होना शुरू हो जाता है। जबकि सच्चाई क्या है, जबकि होना क्या चाहिए? सच्चाई ये है कि भगवान ने और अल्लाह ने सबको बनाया है और सबके भीतर उसी भगवान या अल्लाह का रूप रहता है। जब उसी भगवान या उसी अल्लाह का रूप रहता है तो उसी भगवान और उसी अल्लाह के नाम पे एक इंसान दूसरे इंसान का कत्लेआम कैसे कर सकता है? और इस बात को समझते हुए इस देश के संविधान की प्रस्तावना में क्या लिखा गया? लिखा गया हम भारत के लोग, यह तो नहीं कहा गया हम भूमिहार, हम दलित, हम ब्राह्मण, हम हिंदू, हम मुसलमान, हम ईसाई, हम सिख, ऐसा तो नहीं लिखा गया। क्या लिखा गया? हम भारत के लोग। तमाम तरह के जातीय भेदभाव, तमाम तरीके के धार्मिक भेदभाव, तमाम तरीके के लैंगिक भेदभाव और तमाम तरीके के क्षेत्रीय भेदभाव को समाप्त करके इस बात को पुनर्स्थापित करने की कोशिश की गई कि हम इंसान हैं, इस धरती पे हम जन्म लिए हैं, हम सब भारतीय हैं, हमारा अधिकार बराबर होना चाहिए। और इसी को सुनिश्चित करने के लिए यह कानून बनाया गया कि हिंदू हो या मुसलमान, काला हो या गोरा, महिला हो या पुरुष, मोटा हो या पतला, अंबानी का बच्चा हो या जूता सिलने वाले का बच्चा, सबका वोट बराबर होगा, यह अधिकार हमको दिया गया। और यही वोट का अधिकार, यही लोकतंत्र का अधिकार हमारे हाथ में ऐसी शक्ति देता है कि बरका से बरका नेता 5 साल में हाथ जोड़ने गली गली धूल फेंकने अपनी वोट दे दी है। इसीलिए लेकिन इस लोकतंत्र को कुछ लोग जो ताकतवर हैं कैसे अपनी गिरवी रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने यहां उसको जमा पूंजी की तरह, जैसे उनका काला धन खाते में बंद है वैसे इस लोकतंत्र को भी बंद कर लेना चाहते हैं। और उसका छोटा उदाहरण यह है कि वार्ड पार्षद चुनो तो वार्ड पार्षद हाथ जोड़ के तो ये कह कि गली बनाए देव, रोड बनवाए देव, नल खोलवाए देव, अस्पताल चलवाए देव, वोट देव खातिर 10 लाख 15 लाख रेट खुल जाए
एक स्कॉर्पियो बराबर एक वोट हो नहीं। जब ई आधार पर लोकतंत्र हुए लगले हन, इस तरह लोकतंत्र काम करे लगले हन, तो कल के डेट में इो न हो सके छे हो कि पैसा दे के वोट खरीदे छो, दारू बंद छे तहियो दारू दे के वोट खरीदे छो। कते मजेदार बात छे, एक तरफ दारू बंद कैलके हैं आ दोसर तरफ ओकरे पार्टी के लोग दारू दे के वोट लेब करे छे आ वोट दे रहलो हैं। तो ई दैत 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 एक दिन वोट दे के अधिकारे समाप्त भ जाए। ई बात अपना मन में गांठ बांध के रख लहो, वोट देवो जात पर तो नेता करतो जात पाए।